गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्टोली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास थर्ड की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 का एक पेज जो था वो हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने प्लांट्स हमारे दोस्त के बारे में कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट्स ओवर फ्रेंड्स। इसी के टॉपिक पर हम पहले चर्चा कर चुके थे और एक पेज में हमने यह सब जान लिया था कि हमारे आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके अलावा एक एक्टिविटी भी आपको दी गई थी, उसमें आपको आपके आसपास पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों के नाम, जिन जिन के भी आपको रिमेन हो, वो आप लिखने होंगे। आई होप कि आपने वो सभी एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया होगा और आपको वो सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपने उसी एक्टिविटीज़ के जरिए कई सारे नए नए पेड़ पौधों के नाम भी आपको सुनने को मिले होंगे और आपने उन सभी के बारे में अपने अपनी कॉपी में नोट किए होंगे। अब उसी के बाद हम इसके नेक्स्ट पेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए आप सब पेज नंबर 34 पर, जो है हमारा, स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट दिस प्लांट? आपने उन प्लांटों के बारे में क्या नोटिस किया? सम आर बिग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े थे। दिस टॉल प्लांट्स रिमेन स्ट्रेट अप, और कई सारे सीधे, वो प्लांट सारे सीधे खड़े थे, तने के जरिए सीधे खड़े थे। द स्टाइल एंड इरेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और उन्हीं लंबे और बड़े पेड़ों को हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं, पेड़ कहते हैं। उन्हीं प्लांट्स को क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। उन ट्रीज के कुछ उदाहरण यहाँ लिखे गए हैं, नीम, मैंगो, बनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्री। उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ट्री के, पेड़ के कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ओके? कि उसके अलावा कौन कौन से बड़े पेड़ पौधों के नाम आप जानते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज, कुछ पौधे जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। इन हाइट, हाइट में भी। दे आर शॉर्टर देन यू, वो हमसे भी छोटे हो सकते हैं। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, उन पौधों को, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पौधे कहते हैं। अब हम इसके अलावा आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज पर आप सभी। ये नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, आप सभी इन सबको अपनी अपनी कॉपी में एक सुंदर सा पौधा बना करके उसमें ये नाम लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आ जाइए थिंक्स एंड राइट, सोचो और लिखो, विच इज द टेलेस्ट प्लांट ऑफ योर लोकेलिटी। आप सब ये देखें कि आप सभी के एरिया में सबसे बड़ा पेड़ जो है वो काई का है, कौन सा है। इंक्वायर फ्रॉम योर प्लांट्स अबाउट द ओल्डेस्ट प्लांट्स ऑफ योर लोकेलिटी। आप सब अपने अपने आसपास के सबसे पुराने पौधों की इंक्वायरी करो और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करो। तो ये दो चीज़ें आपको सेल्फ से करनी है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द योर हैव लर्न इन द क्लास। अब आप आंसर दीजिए, आपने जो क्लास में पढ़ा उसी के आधार पर छोटी मोटी चीज़ों का आप थोड़ा सा आंसर दीजिए। तो देखते हैं हम, पहला है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द
ground is called the root. The plant of the part of the plant that grow below the ground is called the root. जो पौधे का वह पार्ट जो जमीन के नीचे उगता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं. तो आप यहाँ पर लिख लेंगे रूट. रूट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल. कुछ पौधों के प्लांट्स होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, कुछ प्लांट के जो जड़ें होती हैं वो खाने योग्य होती हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टीम. प्लांट का, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर उगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टीम कहते हैं, तना कहते हैं. द स्टीम हेल्प्स मोस्ट प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. स्टीम जो होती है वह ज़्यादातर पौधों को सीधे खड़े रहने में मदद करती है. We eat steam of plants and herbs. हम कुछ पौधे व जड़ी बूटियों के तने को खाते हैं. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर, बेसिक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे उनके आंसर्स हैं. तो आप सभी लिख लेंगे. तो पहला यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो है आपका, ये देख लीजिए, द पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. तो रूट यहाँ पर लिख लीजिएगा आप. रूट, आप रूट आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा. ये रूट की स्पेलिंग लिखी हुई है तो आप यहाँ से रूट लिख लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट है, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल. कुछ पौधों के, तो यहाँ पर आप प्लांट्स लिख लेंगे. द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टीम. तो यहाँ पर आप स्टीम लिख लेंगे. द स्टीम, तो यहाँ पर स्टीम लिख लीजिए, हेल्प्स मोस्ट प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. वी ईट स्टीम ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, एच ई आर बी एस. इसकी स्पेलिंग यहाँ पर लिख लेंगे, एच ई आर बी एस. तो ये सभी आप अच्छे से लिख लेंगे. ये हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के लेक्चर को, आगे के पार्ट को पढ़ना प्रारंभ करेंगे. पेज नंबर 36 को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. अब आप सभी जितना हमने पढ़ा है उसे एक बार और देख करके रिकॉल कर लें. धन्यवाद.